नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। लांजी क्षेत्र के ग्राम वारी खराड़ी के पाडरी पाठ दरबार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रृंगार हास्य करुण और वीर रस के कवियों ने अपनी प्रभावी कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं का मन मोह लिया। कवि सम्मेलन में प्रख्यात कवि श्री संपत सरल ने अपनी हास्य कविताओं से श्रोतागण को मंत्रमुग्ध कर दिया। माँ पाडरी पाठ के तीर्थ स्थल पर अपने मात को नमन करते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ, मंच पर आसीन सभी कवियों को प्रणाम करती हूँ। कार्यक्रम बहुत अच्छा चल रहा है, आप सभी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक अनुशासित समय हम सबको दिया गया है, आप सबके बीच संभवतः पहली बार उपस्थित हूँ। कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया मुझ तक जरूर पहुंचे। पीछे जो लोग थोड़ी देर पहले खचाखच भरे हुए थे, अब यहाँ हलचल के साथ वापस जाने को तैयार है। इसका एक कारण यह हो सकता है, उन्होंने सोचा पूरत है धर्म सत कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। क्या आप दोबारा? तो सब इस देश पर, अपने देश पर, अपने प्यारे देश पर गर्व जरूर कीजिए, ये संदेश मैं इस पावन धरती से जरूर दूंगी। क्या आप दोबारा फिर से? क्या आने वाली पीढ़ी को इस क्षेत्र में आना चाहिए? कभी सम्मेलनों में बिल्कुल बहुत अच्छी बात पूछी आपने, 100% आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। क्योंकि कभी वो बात कह लेते हैं जो एक प्रोटोकॉल में कोई नहीं कह सकता। चाहे आप लोग मीडिया से हैं, मीडिया के लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है, हर बात आप उतने उस बात में नहीं कह सकते, उस छंद में, लय में, लय में, उस बंधे हुए स्वरों में नहीं कह सकते जो कभी कह देते हैं। कभी बात भी कह देते हैं और वो बात पहुंच भी जाती है और समाज का दर्पण होते हैं। तो इस क्षेत्र में ज़रूर आना चाहिए और हम लोगों को देख कर तो आपको लगना ही चाहिए कि आना चाहिए। थैंक यू। कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनताओं को, आप यहाँ इतने सुदूर वनांचल ग्राम में आए हैं और इतने दूर अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी सब लोगों को कि हम जिस देश में रहते हैं ये इस देश की संस्कृति है कि इस जंगल में भी मंगल है और ये केवल और केवल भारत में मिल सकता है, आपको कहीं और नहीं। तो अपने देश के प्रति जो प्रेम है, जो समर्पण है, उसको ज़रूर बना के रखें। और चार पंक्तियों से कहती हूँ कि जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है धर्म। लांजी से खबर समय जगत के लिए रुपेश रावते की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।